Click the subscribe button and press the bell icon and more updates. वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग गुरु जी चैनल पे आपको बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे जो देखिए विंडोज 7 को टोटली माइक्रोसॉफ्ट ने क्लोज कर दिया है। अगर आप लोग ने अभी तक भी विंडोज 7 से विंडोज 10 कैसे अपग्रेड करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं टोटल इन्फॉर्मेशन आज शेयर करूंगी। सो प्लीज एंड तक देखिए। तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे विंडोज 10 को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। देन हम लोग विंडोज 10 को डाउनलोड करने के बाद हम लोग कैसे एक यूएसबी बूटेबल क्रिएट करेंगे। देन उसके साथ विंडोज 10 को हम लोग ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये पीसी एंड लैपटॉप के लिए दोनों के लिए ये अवेलेबल है। सो देखिए, टोटल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी। सो प्लीज एंड तक देखिए। आप लोग लाइक ही नहीं करते, लाइक करिए। तो देखिए, एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो देखिए, आप लोग के लिए मैंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप जरूर वॉच कर लीजिए। तो वहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मिल जाएगा एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा, आप जरूर ऑल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इससे आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल सोशल लिंक का साइट अवेलेबल है, आप वहां पर जाइए, पेज को लाइक करिए एंड फॉलो भी करिए, वहां पर भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑनलाइन कोर्स के बारे में ऑल डिटेल्स हैं, आप जरूर एक वॉच कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे विंडोज 7 से विंडोज 10 कैसे अपग्रेड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, हम लोग विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे विंडोज 7 से विंडोज 10 कैसे अपग्रेड करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, पहले हम लोग को विंडोज 10 डाउनलोड करना पड़ेगा। जो देखिए विंडोज 10 कहाँ से डाउनलोड करेंगे, विंडोज 10 को डाउनलोड करने के लिए हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो चलिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं दे दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो इजीली विंडोज 10 को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर डाउनलोड कैसे करेंगे विंडोज 10 को, जो देखिए यहाँ पर डाउनलोड टूल नाउ का एक ऑप्शन है, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड आपके सामने हो जाएगा जो देखिए मीडिया क्रिएशन टूल जो नाम है इसका। देन उसके बाद इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने यस एंड नो का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आप यस में क्लिक कर दीजिए। यस में क्लिक करने के बाद ये लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देन मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड जिस सिस्टम में आप विंडोज 10 को डाउनलोड कर रहे हैं जो देखिए वहां पर आपका हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसको टोटली कंप्लीट होने में। तो देखिए लगभग 5 to 6 GB के आसपास ये विंडोज 10 है, तो इसके लिए आप इंटरनेट हाई स्पीड रखिए, नहीं तो स्लो होगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए गेटिंग ए फ्यू थिंग रेडी, जो देखिए ये रेडी हो रही है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ चुका है जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म एंड एक्सेस, जो देखिए यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट है, अगर आप लाइसेंस एग्रीमेंट बनना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए एक्सेप्ट का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर एक्सेप्ट में आप क्लिक करिए। एक्सेप्ट में क्लिक करने के बाद फिर से ये लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दोनों ऑप्शन आ चुका है, जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अपग्रेड दिस पीसी नाउ एंड सेकंड ऑप्शन है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश टाइप डीवीडी और आईएसओ फाइल। जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, जो देखिए अपग्रेड दिस पीसी, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट यहाँ पर है पहले से, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली
ये जो पीसी है जो देखिए विंडोज 7, ये विंडोज 7 से ऑटोमेटिकली विंडोज 10 अपग्रेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो बेटर ऑप्शन है आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करिए जो देखिए क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो मैं फिलहाल इस ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। गलती से भी आप अपग्रेड दिस पीसी को इसको सिलेक्ट मत करिए, देन नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा चेकबॉक्स है, यूज द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस पीसी, जस्ट इस चेकबॉक्स को अनचेक करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए लैंग्वेज, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, इंग्लिश को ही यहाँ पर रहने देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर है एडिशन, जो देखिए एडिशन में जस्ट यहाँ पर आपको विंडोज 10 ही यहाँ पर मिलेगा, विंडोज प्रो यहाँ पर नहीं मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आर्किटेक्चर, जो देखिए आर्किटेक्चर में यहाँ पर 32 बिट एंड 64 बिट एंड बोथ यहाँ पर तीनों ही यहाँ पर अवेलेबल है। अगर पर्टिकुलरली अगर आप ओनली 32 बिट डाउनलोड करना चाहते हैं तो 32 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अगर आप 64 बिट डाउनलोड करना चाहते हैं तो 64 बिट डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन है आप बोथ को ही यहाँ पर सिलेक्ट करिए। तो बोथ होगा तो क्या होगा, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं बाद में वो 32 बिट का है तो ऑटोमेटिकली ये 32 बिट पे हो जाएगा, एंड अगर 64 बिट का है तो ऑटोमेटिकली 64 बिट हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है बोथ को ही सिलेक्ट रहने दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दोनों ऑप्शन दिखाई दे रही है, जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यूज फ्लैश ड्राइव एंड ISO फाइल। अगर आप ऑटोमेटिकली USB फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करके रखेंगे PC में नहीं तो लैपटॉप में, ये ऑटोमेटिकली फ्लैश ड्राइव में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप फ्लैश ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट करके रखते हैं तो 8 GB का फ्लैश ड्राइव होना चाहिए मिनिमम। देन अगर आप फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करके नहीं रखेंगे, ओनली ISO फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन है ISO फाइल को सिलेक्ट रहने दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करिए। अगर आप करना चाहते हैं तो यूजर फ्लैश टाइप को कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन है ISO फाइल को सिलेक्ट रहने दीजिए। देन मैं फाइनली नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लोकेशन आ चुका है, जो देखिए सिलेक्ट ए पाथ, आप कौन सा लोकेशन में इसको सेव करना चाहते हैं। तो फिलहाल सी टाइप छोड़ के आप कोई भी लोकेशन में इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी टाइप है, आपके केस में ई एफ जी और भी टाइप हो सकती है, तो बेटर ऑप्शन है आप डी टाइप में इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव में क्लिक करिए। सेव में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको नाम थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ वन। देन सेव में क्लिक करिए। सेव में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जो देखिए ये डाउनलोडिंग ये टोटली डिपेंडेबल करती है आपका इंटरनेट का स्पीड के ऊपर। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो कोई बात नहीं है, ये जल्दी हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड बहुत ही स्लो है तो मिनिमम यहाँ पर 2 से 3 आवर्स लग सकती है इसको टोटल कंप्लीट होने में। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। तो देखिए अगर आपका इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो ये लगभग 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये इसको होने में थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जो देखिए मेरा टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद मैं आप लोग को फाइल दिखाई देता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर कंप्यूटर में जाता हूँ, देन उसके बाद डी टाइप में जाता हूँ, जो देखिए मेरा डी टाइप में टोटली कंप्लीट हो चुका है, जो देखिए विंडोज 10। देन ये तो मेरा डाउनलोड का प्रोसेस टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज 10 को, ये टोटली फ्री है एंड ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी आप विंडोज 10 को डाउनलोड करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करिए। देन डाउनलोड तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, डाउनलोड को कंप्लीट होने के बाद इसको हम लोग कैसे USB बूटेबल क्रिएट करेंगे। अगर आप USB बूटेबल क्रिएट करना जानते हैं तो ओके,
अगर आप यूएसबी बूटेबल कैसे क्रिएट करते हैं नहीं जानते हैं, तो मैं आप लोग के लिए बोल देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे जो देखिए रिपोस, जो देखिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर भी इसका लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करिए, जो देखिए इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 3.8 एंड इसका जो साइज है ओनली 1 MB का आसपास है। जस्ट आप इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिये मेरा ये डाउनलोड भी कम्प्लीट हो चुका है। देन मैं इसको फिलहाल ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर यस एंड नो का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आप यस में क्लिक कर दीजिए। यस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देखिए अपडेट का एक मैसेज आ रही है, जस्ट यहाँ पर आप नो में क्लिक कर दीजिए। नो में क्लिक करने के बाद आपके सामने रिपोर्ट ओपन हो चुका है। देन यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। देन मैं फिलहाल USB को कनेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने USB को कनेक्ट कर लिया है, जो देखिए यहाँ पर मेरा USB शो कर रही है। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए बूट सिलेक्शन में यहाँ पर डिक्स और ISO इमेज जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट में हम लोग क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके सामने एक छोटा सा न्यू विंडो ओपन हो चुका है। जो देखिए ये विंडोज कहाँ पर डाउनलोड हुआ है, डी टाइप में, आपके केस में ई टाइप में भी हो सकती है, आप गलती से भी सी टाइप को यहाँ पर डाउनलोड मत करिए। देन मैं डी टाइप से मेरा जो विंडोज फाइल है ISO इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो देखिए मेरा ये विंडोज फाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए पार्टीशन स्कीमा, जो देखिए यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। जो देखिए पार्टीशन स्कीमा क्या है, पार्टीशन स्कीमा में अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई देगा, जो देखिए GPT MBR। अगर आप GPT MBR के बारे में जानते हैं तो ओके, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा बोल देता हूँ, जो देखिए GPT क्या है एंड MBR क्या है। तो GPT MBR कैसे आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे आपके सिस्टम में, तो मैं आप लोग के लिए वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको माय कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेजमेंट क्लिक करिए। मैनेजमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर डिक्स मैनेजमेंट में आप आ जाइए। डिक्स मैनेजमेंट में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो भी आपका यहाँ पर हार्ड डिक्स है यहाँ पर आप देख पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए मेरा जो हार्ड डिक्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो देखिए यहाँ पर डिक्स 0 बेसिक 18 GB, जो देखिए ये ऑनलाइन दिखाई दे रही है। जस्ट इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जस्ट यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज में क्लिक करिए। प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पर जेनरल पॉलिसीज वॉल्यूम ड्राइवर डिटेल्स आपके सामने बहुत सारे टैब दिखाई दे रही है। जस्ट यहाँ पर आप पॉलिसीज में क्लिक करिए, यहाँ पर आपके सामने रिमूवेबल पॉलिसी दिखाई दे रही है। देन उसके बाद वॉल्यूम में आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो देखिए यहाँ पर मेरा है MBR, जो देखिए मेरा है यहाँ पर MBR। मैं फिर से यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, जो देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर देख पाएंगे, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। जो देखिए अगर आप पार्टीशन स्कीमा में थोड़ा सा गलती कर देंगे तो इसको रेक्टिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। जो देखिए अगर आपका यहाँ पर GPT शो कर रही है तो यहाँ पर GPT को सिलेक्ट करिए, तो मेरे केस में यहाँ पर MBR शो कर रही है, तो देखिए मैं यहाँ से MBR को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका जो भी सिलेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है तो आपको यहाँ पर भी सेम टू सेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका GPT शो कर रही है तो यहाँ पर GPT सिलेक्ट करिए, अगर आपका यहाँ पर MBR शो कर रही है तो MBR को सिलेक्ट करिए। आई होप आप लोग को टोटल समझ में आ चुका होगा, जो देखिए MBR क्या है एंड GPT क्या है। देन मैं इसको फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। देन अगर आप यहाँ पर MBR करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर BIOS और UEFI सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप यहाँ पर GPT करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपके सिस्टम में, तो मैं फिलहाल यहाँ पर MBR कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम लेवल, आप वॉल्यूम लेवल में आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा, तो यहाँ पर आप दूसरा नेम भी रख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर फाइल सिस्टम यहाँ पर NTFS को ही रहने दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर क्लस्टर साइज को बाई डिफॉल्ट जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन को रहने दीजिए। देन और यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद फाइनली
स्टार्ट में क्लिक करिए। स्टार्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने वार्निंग आ रही है, अगर आपका यूएसबी ड्राइव में कोई भी डेटा वगैरह है तो आप उसको बैकअप ले लीजिए, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे यूएसबी ड्राइव में कोई भी डेटा नहीं है, तो मैं फाइनली इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद ये मेरा ऑटोमेटिकली यूएसबी बूटेबल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपको टाइमिंग लग सकती है इसको टोटल कंप्लीट होने में। अगर आप यहाँ पर यूएसबी 2.0 देंगे तो थोड़ा सा आपको टाइमिंग लग सकती है 6 to 8 मिनट, एंड अगर आप यूएसबी 3.0 देंगे तो यहाँ पर 2 to 4 मिनट लग सकती है। ये आपके डिपेंडेबल करेगा यूएसबी के ऊपर। तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए मेरा ये सक्सेसफुली हो चुका है। देन आपका जो यूएसबी ड्राइव यहाँ पर बूटेबल कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप कोई भी सिस्टम में इजीली इसको विंडोज 10 को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं फिर से एक बार माय कंप्यूटर में जाके देख ले हूं। जो देखिए मेरा ये विंडोज 10 जो मेरा यूएसबी ड्राइव मेरा ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप कोई भी पीसी नहीं तो लैपटॉप में इसको इजीली इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर पहले एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ, आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर एक बार वॉच कर लीजिए जो विंडोज 10 को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं पीसी एंड लैपटॉप में। अगर आप जानते होंगे तो ओके गुड। तो मैं आप लोग को एक बार पहले क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी आप विंडोज 10 को इंस्टॉलेशन करेंगे पीसी नहीं तो लैपटॉप में, आपका जो भी डेटा है आप डेटा को पहले बैकअप कर लीजिए। बैकअप करने के बाद आपका जो भी ड्राइव है, तो मेरे केस में यहाँ पर सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, आपके केस में ई ड्राइव भी हो सकती है एंड और भी ड्राइव हो सकती है, आप सारा ऑल ड्राइव को आप पहले डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद फ्रेश आप ड्राइव क्रिएट करिए, देन उसके बाद आप और भी ड्राइव क्रिएट करिए। तो देखिए फ्रेश इंस्टॉलेशन करिए, आप ओनली सी ड्राइव को यहाँ पर रिमूव करेंगे, देन फिर से आप एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बाद में आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो बेटर ऑप्शन है आपका जो भी डेटा चाहिए डेटा को पहले बैकअप कर लीजिए, देन उसके बाद ऑल पार्टीशन को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद न्यू पार्टीशन क्रिएट करिए, देन उसके बाद आप विंडोज 10 को प्रॉपरली इंस्टॉलेशन करिए। देन अगर आपका विंडोज 10 प्रॉपरली इंस्टॉलेशन होने के बाद तो आपको और भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ड्राइवर। जो देखिए विंडोज 7 का ड्राइवर बहुत ही ओल्ड है, तो ये टोटली ऑब्सोलेट हो चुका है जो विंडोज 7। विंडोज 10 जो देखिए अभी जो रनिंग चली है, अगर आपके पास विंडोज 10 का ड्राइवर है तो ओके, अगर आप विंडोज 10 का ड्राइवर नहीं है तो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसके लिए भी आपके लिए और भी एक सॉल्यूशन है, जो देखिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे रेफरेंस का लिंक दे दूंगा, आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। देन अगर आपका लैपटॉप डेल का है तो आप डेल की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद जस्ट फॉर गूगल में आप ओनली सर्च करिए डेल लैपटॉप ड्राइवर। तो देखिए आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आपके सामने ओपन होगा जो देखिए ये है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो देखिए Enter a Dell service tag and Dell EMC product ID or model। जो देखिए आप लैपटॉप के पीछे देखिए आपका service tag दिखाई देगा, नहीं तो serial number दिखाई देगा। तो देखिए अगर आपका नहीं दिखाई दे रही है तो देखिए automatically detect कर लीजिए। तो detect करने के बाद automatically यहाँ पर service tag number यहाँ पर दिखाई देगा। सर्विस टैग दिखाई देने के बाद यहाँ पर जस्ट यहाँ पर यह देखिए ग्रीन कलर का हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर एंटर को प्रेस करिए कीबोर्ड से। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑल ड्राइवर शो हो जाएगा, जो देखिए डिस्प्ले ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, लैन ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर और भी बहुत सारा ड्राइवर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइवर को जो भी आपका चाहिए। यह है डेल के लिए, अगर आपका डेल का लैपटॉप है तो। देन अगर आपका डेल का लैपटॉप नहीं है, एचपी का लैपटॉप है, एचपी के लिए आप कैसे ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेम टू सेम प्रोसेस को आप अप्लाई करिए। जस्ट गूगल ओपन करिए, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर एचपी लैपटॉप ड्राइवर
आप लिखिए, देन उसके बाद एंटर प्रेस करिए। एंटर को प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने एचपी का ऑफिशियल वेबसाइट का पेज आ जाएगा। जो देखिए यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम जो देखिए सीरियल नंबर देना पड़ेगा। सीरियल नंबर देने के बाद यहाँ पर सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑल ड्राइवर्स शो हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास ग्राफिक्स ड्राइवर, देन लैंड ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, तो ऑल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी आपका चाहिए यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपका लेनोवो का ड्राइवर है तो आप लेनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाइए, देन उसके बाद आप डाउनलोड करिए। आपका जो भी ड्राइवर, जो भी आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करिए ड्राइवर को। देन उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी ड्राइवर नहीं मिल रही है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको ड्राइवर पैक सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस यहाँ से भी ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये तो था ओनली लैपटॉप के लिए। अगर आपके पास पीसी है, उस पीसी में विंडोज 7 चल रही है, आप विंडोज 10 में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके पास दोनों प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आपका मदरबोर्ड विंडोज 10 सपोर्ट करती है तो तभी आप कर सकते हैं। अगर आपका विंडोज 10 सपोर्ट नहीं करती है तो आपको विंडोज 7 ही यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अगर विंडोज 10 सपोर्ट करती है तो आप विंडोज 10 तो इंस्टॉलेशन कर लिए हैं। विंडोज 10 को यूज करने के बाद यहाँ पर अगर आपका मदरबोर्ड की ड्राइवर मिलती है तो ओके, अगर नहीं मिलती है तो आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को जो यूज करिए। यहाँ पर आपका विंडोज 10 का ड्राइवर इजीली मिल जाएगा एंड यहाँ पर पीसी एंड लैपटॉप दोनों के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ऑल ब्रांड यहाँ पर दिखाई देगा। जो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, जो देखिए यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल पेज है, जो देखिए यहाँ पर डेल दिखाई दे रही है, देन एलजी, आसूस, सोनी, लेनोवो, तोशिबा, एमएसआई, पैनासोनिक, सैमसंग, देन एनी ऑफ ब्रांड यहाँ पर दिखाई दे रही है। और भी आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो देखिए ग्राफिक्स कार्ड, अगर आप ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हैं एएमडी का नहीं तो एनवीडिया का, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जो देखिए यहाँ पर एनवीडिया के लिए अवेलेबल है ग्राफिक्स कार्ड एंड एएमडी के लिए भी यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है। यहाँ से भी आप ग्राफिक्स कार्ड को यूज कर पाएंगे डाउनलोड। तो देखिए जब भी आप ग्राफिक्स कार्ड को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे जो देखिए ड्राइवर को, तो देखिए ग्राफिक्स कार्ड का एक होती है WHQL, तो आप WHQL को ही डाउनलोड करिए जो देखिए ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए ओनली। तो देखिए आप थोड़ा सा और भी नीचे आ जाइए तो देखिए यहाँ पर एसर का भी यहाँ पर मिल जाएगा, एचपी, एलजी एंड सोनी, तो यहाँ पर और ब्रांड्स जो भी पॉपुलर ब्रांड है तो यहाँ से आप मिल जाएगा। जो देखिए अगर आपका एसर का लैपटॉप है तो यहाँ से एसर का कोई भी ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं, एचपी का है तो एच का भी कर सकते हैं, देन सोनी, देन यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर में आ जाइए तो देखिए यहाँ पर डेल का भी यहाँ पर अवेलेबल है, देन आसूस, सोनी, बहुत सारा यहाँ पर है। तो इजीली यहाँ से आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ड्राइवर पैक सॉल्यूशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका इंटरनेट का स्पीड अच्छा होना चाहिए, ये मिनिमम 10 GB का आसपास हो सकती है, तो आपका इंटरनेट का स्पीड अच्छा होना चाहिए तभी आप इसको ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को प्रॉपरली डाउनलोड कर पाएंगे एंड उसके बाद आप कोई भी सिस्टम में इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। अगर पीसी एंड लैपटॉप के लिए दोनों में इसको यूज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका विंडोज 10 का ड्राइवर है तो आप उसको यूज करिए, अगर नहीं है तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर मिल जा रही है ड्राइवर को तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, देन उसके बाद इंस्टॉलेशन कर लीजिए। तो डेल एंड एचपी लेनोवो जो भी है आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करिए। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे विंडोज 7 से विंडोज 10 को अपग्रेड करते हैं। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप विंडोज 10 को जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करिए,
देन उसके बाद इंस्टॉलेशन करिए। अगर आप लोग का इंस्टॉलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ, आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर वॉच कर लीजिए। तो कैसे हम लोग वहाँ पर विंडोज 10 को इंस्टॉलेशन करते हैं पीसी एंड लैपटॉप में, एंड कैसे हम लोग एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं, जो देखिए सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, अब जितना पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे विंडोज 7 से विंडोज 10 अपग्रेड करते हैं पीसी एंड लैपटॉप के लिए। अगर आप लोग का कोई भी एरर आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए, अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं वो भी प्लीज इस कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल देने के लिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए एंड उसके साथ वेबसाइट को भी एक बार विजिट कर लीजिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।